जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एनडीए 2020 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी कि जो ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स पोर्शन से, वो सारी के सारे क्वेश्चंस हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ लिक्विड इज केप्ट इन ए ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। यानी कि हम लोगों ने एक लिक्विड रखा है बीकर में और हमें प्रेशर के रिलेटेड बताना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है H ρg, हम अगर लिक्विड की बात करते हैं तो। अब हमें इन ऑप्शंस में से देखना है कि किस किस बात पर वो डिपेंड करता है। क्या वो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर पर डिपेंड करेगा? नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाँ, इधर आप फॉर्मूले में देख सकते हैं एच पर वो डिपेंड कर रहा है। क्या वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड नहीं करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा, यहाँ पे ये रो जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ही है। इट नाइदर डिपेंड्स ऑन द एरिया नॉर ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। सो हमारे यहाँ पर इन ऑप्शंस में केवल ऑप्शन बी ही है जो कि सही है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के रिगार्डिंग कौन सी बात सही नहीं है? दे कैन ट्रेवल थ्रू वॉटर, दे कैन ट्रेवल थ्रू एयर, दे कैन ट्रेवल थ्रू स्टील और दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो हमको पता है वेलोसिटी इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी इन लिक्विड्स एंड इट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी इन गैसियस। यानी कि इन तीनों में तो ट्रेवल करती है और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। सो दैट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, करा होगा, कि अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं एक बेल जार में और फिर जो है बेल को रिंग करते हैं तो हमें बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देती है। विच इंटरप्रेट्स, यानी जिससे हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। सो ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज। हमें स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है वो निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है और फोकल लेंथ बिल्कुल इसके सेंटर में होता है। तो यानी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फोकल लेंथ या ट्वाइस द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है, अ लेमन केप्ट इन वॉटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज, इट इज बिकॉज ऑफ। यानी कि आपने कोई एक चीज सब या लेमन या कोई भी सब्सटेंस रखेंगे किसी ग्लास टम्बलर में जिसमें कि वॉटर है तो वो हमें जो है बड़ा नजर आता है। क्यों ऐसा नजर आता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो जिसकी वजह से हमें क्या है उसकी जो इमेज है वो इधर की साइड नजर आ जाती है। यानी कि साइज तो उसका इतना था लेकिन जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई सो इट अपियर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसीलिए हमें ये कैसा नजर आता है, बड़ा नजर आता है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। किसने करा था? दैट वाज द आइज़ैक न्यूटन। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम्स 5 किलोवाट पर पावर वर्किंग 10 आवर्स पर डे फॉर 30 डेज विल बी, है ना। और आपको चार्ज दे रखा है तो हमें बिल निकालना है कि भाई हमें ये बिल जो है कितना आएगा अगर हम इस फ्रिज को यूज कर रहे हैं। तो इसकी देखो पावर कितनी दे रखी है, हमको पावर दे रखी है 5 किलोवाट, ठीक है, और वर्किंग 10 आवर्स अ डे फॉर 30 डेज। एक दिन में कितना चल रहा है? 10 आवर्स चल रहा है। अब यानी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा इनटू 10 कर दीजिए तो दैट मींस 50 किलोवाट आवर जो है एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है एक दिन में। तो 30 दिन में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? सो इनटू 30 कर देंगे तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है कि कितना इसका चार्ज होगा। तो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और 4 रुपए हैं तो इनटू 4 और कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6000 आ जाएगा। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट इज रुपीज 6000। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। सो मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इट हैज क्लोज्ड कर्व्स, बिल्कुल होते हैं, ओपन कर्व्स, ये बात सही नहीं है, इधर हम कह रहे हैं क्लोज्ड और इधर हम कह रहे हैं ओपन, तो दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। सो इट हैज क्लोज्ड कर्व, इट डज नॉट हैव ओपन कर्व, सो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड, अ डीसी करंट ऑफ 100 मिली एम्पीयर फ्लोस थ्रू द सर्किट एज शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आर इज, हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, सो दैट मींस 1/R + 1/R इस तरीके से आप लोग निकालेंगे, यही हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है इसमें करंट कितना पास हो रहा है, 100 मिली एम्पियर और 12 वोल्ट जब आपने कनेक्ट करा है, तो आप लोग ओम्स लॉ के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में होना चाहिए वो होना चाहिए 12/100 × 10⁻³, क्योंकि मिली एम्पियर में, तो उसे हमें एम्पियर में भी कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हमारे पास जो ये जो है टोटल रेजिस्टेंस है और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये यहाँ पर जो हमने कनेक्ट करा है इसके हिसाब से आना चाहिए। तो ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 120 हो गया। तो यानी कि ये तो टोटल है और हम यहाँ पर देख रहे हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 2/R, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1/120, सो दैट मीन्स आर हमारा कितना आ जाएगा 240, सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, सो इनमें से कौन सी जो है एनर्जी की यूनिट नहीं है, जूल तो आपको पता है, वॉट आवर भी होती है, कैसे पावर इंटू टाइम करते हैं तो वॉट इंटू आवर भी हमारे पास एनर्जी की यूनिट होती है, न्यूटन मीटर आपको वर्क डन की पता है क्या होती है, जूल होती है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी तो न्यूटन मीटर बन रही है, सो ये भी किसके बराबर आ जाएगी, जूल के बराबर आ जाएगी। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये क्या बन रहा है हमारा, एम ए बन रहा है, तो जो कि फोर्स होती है, तो यानी ये किसकी यूनिट है, फोर्स की है, एनर्जी की नहीं है, सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ देयर रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स एज R1 = R एंड R2 = 4R, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड T1/T2 अराउंड द सन विल बी, हमें इनका रेशियो निकालना है टाइम पीरियड का, तो हमको केपलर्स थर्ड लॉ से पता है T² = R³, तो हम लोग लिख सकते हैं T₁² / T₂² दिस विल बी इक्वल्स टू R₁³/R₂³। ओके, तो यानी अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं R₁ की वैल्यू है हमारे पास R³ हो जाएगी और R₂ की वैल्यू हमारे पास 4R, तो यानी ये 4R का क्यूब कर देंगे तो 64R³ बन जाएगी, तो R³ से R³ हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारे पास जो T₁² / T₂² है दैट इज इक्वल्स टू 1/64। अब हमें क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ, तो हमारे पास T₁/T₂ आ जाएगा 1/8, तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कट इंटू 2 equal parts इन लेंथ, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, तो इन्होंने क्या कहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस ये लोग कह रहे हैं 20 ओम है, अब हमने इसको 2 equal parts में कट कर दिया है लेंथ वाइज, तो इसका कितना रेजिस्टेंस है 10 ओम हो गया, इसका कितना हो गया 10 ओम हो गया, अब हमने इनको क्या करा है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट करा है तो यानी 1/10 + 1/10 हमें कर देना है, 1/10 + 1/10, तो 2/10 दैट मींस 1/5, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ऑप्शन सी दैट इज दी 5 ओम। ओके नेक्स्ट है, लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इम्पिंजेस परपेंडिकुलरली ऑन ए टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द एरिया ऑफ द सरफेस इज हाफ द रेडिएशन फोर्स ऑन इट विल बिकम, तो ये जो इंटेंसिटी होती है, दिस इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी जो होती है डिवाइडेड बाय द एरिया इनटू टाइम,
सो हम लोग यहां से देख सकते हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. तो अगर हमने एरिया को हाफ कर दिया है देन द इंटेंसिटी विल बी डबल. सो ऑप्शन ए जो है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग इमेज. अ प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग अपॉन द प्रोटॉन विल बी. हमें बताना है इस प्रोटॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. तो प्रोटॉन जो मूव कर रहा है वो ही हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाता है. हम यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे. तो ये जो है प्रोटॉन का डायरेक्शन जो है हमें करंट की तरफ रखना है और ये जो फर्स्ट फिंगर है इसे हमें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखनी है. तो हम देख रहे हैं दैट इट इज गोइंग इन टू द पेज. तो इसको अप्लाई करके हमें मिलता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन टू द पेज. सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट. साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. ये चीज गलत है. साउंड वेव्स कैसी होती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है. सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर्स द करंट इन द सर्किट रिमेन्स बिकम जीरो रिमेन्स कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस और कीप्स ऑन चेंजिंग रेंडमली. तो इट इंक्रीजेस सब्सटेंशियली. एकदम से बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज कर देगा क्योंकि आपके पास V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. तो रेजिस्टेंस जब शॉर्ट सर्किट होता है लगभग जीरो हो जाता है. तो यानी कि इनफाइनाइट की तरफ जाएगा. सो एकदम से काफी ज्यादा इंक्रीज करता है. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेव लेंथ. यहाँ पर जो गिवन है माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड विजिबल लाइट और एक्सरे इनमें हमें बताना है कि सबसे कम जो है वेवलेंथ किसकी है. तो इनमें सबसे कम वेवलेंथ एक्सरेज की होती है. सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है. अगर हमें गामा रेज भी दिया होता तो गामा रेज को हम लोग चूज करते. ओके नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज. तो उसको हम लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर कहते हैं. सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है द सन अपियर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. द फिनोमिनन इन ऑप्टिक्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपीयरेंस ऑफ द सन इज. ये किसकी वजह से होता है. सो इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग. क्योंकि बाकी सारी लाइट्स जो स्कैटर अवे हो जाती है केवल रेड ही है जो लीस्ट स्कैटर्ड है. तो वो ही हमारी आंख तक पहुंच पाता है. सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट है अ लेंस हैज अ पावर ऑफ प्लस टू डायोप्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इज ट्रू. तो देखो एक तो हमें ये बताना है कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स लेंस है. उसके बाद हमें बताना है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है. तो पावर से आप लोग निकाल सकते हैं पावर इज वन अपॉन एफ. सो दैट मीन्स एफ क्या हो जाएगा वन अपॉन पी. सो वन अपॉन टू कितना हो गया 0.5. तो यानी कि आपका ऑप्शन ए या ऑप्शन सी ही सही होगा. ओके अब हमें ये जो यहाँ पर प्लस साइन दे रखा है इससे हमें पता चल जा रहा है दैट द लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस. सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है दैट द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर. नेक्स्ट है द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्यूज क्वार्ट्ज इज 1.46 एंड दैट ऑफ सफायर इज 1.77. VQ स्पीड है क्वार्ट्ज में और VS स्पीड है सफायर में. तो इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा सही है. तो देखिए आप जो जानते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल्स टू C अपॉन V. तो C तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो गई ठीक है और V जो है इस मीडियम की बात होती है. तो ये जो है अगर हम बात कर रहे हैं क्वार्ट्ज के लिए तो 1.46 है और सफायर के लिए 1.77 है. तो सफायर के लिए ये चीज ज्यादा है तो मतलब ये वेलोसिटी क्या होगी कम होगी. सो दैट मींस हम कह सकते हैं दैट वी एस विल बी लेस देन दी वी क्यू. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर इन ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है यही बात बता रहा है दैट वी क्यू इज ग्रेटर देन दी वी एस. सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल पी ऑफ द मिरर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इमेज इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा सही नहीं है. इमेज क्या है वर्चुअल बिल्कुल होती है एनलार्ज्ड होती है.
क्या वो इन्फिनिटी पर बनती है? नहीं, वो बनती है मिरर के पीछे, सो इट इज नॉट फॉर्मड एट द इन्फिनिटी। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज विल बी इरेक्ट, हाँ इरेक्ट होती है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे, और इसी तरीके से आप हमारी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड करके ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए, जिसमें आप स्टडी मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारा का सारा आपको हमारे एप्स में जो है कोर्स में मिल जाएगा। सो प्लीज गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेस। और अगर आप लोग SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास लाइव क्लासेस होती है, पूरा कोर्स होता है, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO कॉन्फ्रेंस, मेडिकल सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। सो प्लीज गो एंड चेक आउट दी SSB इंटरव्यू कोर्स ऑल्सो। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड Warrior10 यूज करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चंस, एंड टिल देन जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।